हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि UPPCS आपका 2018 का एग्जाम हुआ था 28 अक्टूबर 2018 को, उसकी आंसर की आ चुकी है। उसमें चार क्वेश्चन जो हैं आपके हटाए गए हैं, तो 146 आपके जो है क्वेश्चनों पर आपका जो काउंटिंग होगी सेकंड एग्जाम के लिए, आपका जो सिलेक्शन होगा 146 आपके क्वेश्चनों के आधार पर होगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि किस कैटेगरी की जो कट ऑफ है ST OBC जनरल मेल और फीमेल दोनों सभी वर्गों के लिए आपकी क्या रह सकती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा और फुल पेपर एनालाइज के साथ ये कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, और वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा। और बाकी जो अन्य चैनल हैं वीडियो को जो बता रहे हैं लेवल का, उनसे कोई हमें लेना देना नहीं है। हम जो हैं आपको बिल्कुल फिक्स बता रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। तो वास्तविकता यही है, प्लीज़ देखेगा वीडियो को, पूरा देखेगा, उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। चलिए आपको सर डिटेल करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जैसा जानते होंगे अब की बात जो UPPCS का एग्जाम हुआ है उसमें थोड़ा चेंजिंग किए गए थे। चेंजिंग क्या था कि फर्स्ट टाइम जो UPPCS में निगेटिव मार्किंग लाई गई थी, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी गई हो किसी एग्जाम में PCS के में, इससे पहले कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो एक बड़ा इफेक्ट ये भी पड़ने वाला है इस बार कट ऑफ पे कि निगेटिव मार्किंग का, क्योंकि जो आपने राइट क्वेश्चन किए होंगे अब की बार केवल आपको उसी पर नंबर मिले होंगे, आप जो है तुक्केबाजी से बचने की कोशिश किए होंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बता दूं, अब की बार मेन में भी थोड़ा चेंज हुआ है। अब की बार केवल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया है जो UPSC में होता है। और एक चीज़ हो देखेगा, जो लोग टोटल क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन में जो था आपका मेन था, यानी सामान्य अध्ययन के पेपर में 150 क्वेश्चन थे, और 150 क्वेश्चन में पूरे के लिए नंबरिंग नहीं मिला है, चार क्वेश्चन को हटा दिया गया है। चार क्वेश्चन कौन से हैं, वो जिन पर डाउट था, जिनके कुछ जो क्वेश्चन गलत प्रिंटिंग हुए थे या जिनके ऑप्शन एक से ज़्यादा रखे गए थे, तो ऐसे चार क्वेश्चन को डिक्रीज कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आपको जो नंबरिंग होनी है 146 यानी 146 में से आपको नंबरिंग होनी है, तो 146 नंबर में से आपकी नंबरिंग होनी है, ये होनी है आपके मेन के लिए। अब ये आपकी स्कोरिंग क्या बननी है आप चीज़ को समझिएगा, क्योंकि आपकी बार पैटर्न चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग रही है, तो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपको उस ध्यान सुनिएगा। क्योंकि जैसा आप जानते होंगे कि जो एग्जाम का लेवल था इस बार थोड़ा इजी लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता। जो सामान्य अध्ययन का पेपर आया था वो जनरली नॉर्मल टाइप आया था, उसे आप ज़्यादा नहीं कह सकते कि ज़्यादा हार्ड पेपर था। तो कट ऑफ क्या बन रहा है आप ध्यान से देखकर चलिएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी पेपर का जो कट ऑफ डिपेंड करता है आपके टोटल वैकेंसी पर डिपेंड करता है, आपका पेपर का लेवल क्या रहा है उस पर डिपेंड करता है, और कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है मेंस के लिए वो भी इस पर इफेक्ट करता है पूरा पूरा। तो टोटल मैं बता दूं, लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम फॉर्म भरा था, लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम फॉर्म भरा था, मगर जो एब्सेंट थी एग्जाम में, एब्सेंट काफी मात्रा में देखने को मिली है, लगभग 35% अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं आए। तो जब यह आंकड़ा बच जाता है टोटल एग्जाम देने वालों का, तो वो लगभग बन जाता है यानी 4.25 लाख से लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने ही ये एग्जाम कंडक्ट किया है, UPPCS प्री एग्जाम दिया है। तो UPPCS एग्जाम प्री किसने दिया है, लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा ये एग्जाम दिया गया है। और जो ये एग्जाम दिया गया है कितने पोस्टों के लिए दिया गया है आपको मैं बता दूं, ये पोस्टों के लिए दिया गया है लगभग 917 पोस्ट जो ऑफिशियल नोटिस में दी गई थी, 917 पोस्ट दी गई थी ऑफिशियल नोटिस में। मगर दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट लगातार इंक्रीज होने की बात हो रही है, ये पोस्ट बढ़कर लगभग 1200 हो सकती हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि पिछले टाइम से UPPCS लोअर की पोस्ट नहीं निकाली गई हैं, जिसका अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि UPPCS लोअर की कुछ पोस्टों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और ये पोस्ट बढ़ाकर लगभग 1200 या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लगभग 1200 से 1300 तक ये पोस्ट पहुँच सकती हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है, अभी तक पोस्ट बढ़ाई जा रही हैं, और जो अब्सेंट है वो भी मात्रा में काफ़ी कम है, लगभग 4.25 लाख से 4 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सारे चीजों को तो रखते हुए हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या बन रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपका जो भी स्कोर बन रहा है, मैं मानता हूं आपने अपनी स्कोरिंग मिला ली होगी, अपने आप ही ऑफिशियल आंसर की से अपना स्कोर मिला लिया होगा, तो आपका जो भी स्कोर बन रहा है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आपके अनुमान क्या बैठता है कट ऑफ को लेकर वो भी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्योंकि आपका अनुभव भी हमारे काम आना चाहिए, आपका जो स्कोर बन रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपनी राय भी रखें कि सर कट ऑफ ये जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपको कट ऑफ को लेकर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, और हम साथ में आपको बताएंगे मेल और फीमेल पर इस कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, फीमेल कितनी डाउन जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पेपर के लेवल के बता दें, जैसा हम आपको बता चुके हैं पेपर का लेवल जो है अब की बार इजी टू मॉडरेट था, यानी ज्यादा हार्ड लेवल एग्जाम का नहीं कहा जा सकता, सामान्य अध्ययन का पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था। हाँ, सी सेट में बच्चों का कुछ खेल बिगड़ा है, सी सेट अच्छी तरीके से पूछा हुआ था, तो सी सेट में काफ़ी बच्चों का एग्जाम अच्छी नहीं हुआ है, मगर हाँ सामान्य अध्ययन का पेपर अच्छा हुआ था। और जो कट ऑफ बनता है PCS के लिए
वो सामान्य अध्ययन के बेसिस पर बनता है, आपका सीसीएट ओनली क्वालिफाई रहता है। तो जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ सामान्य अध्ययन के, जो आपका क्वालिफाई पेपर नहीं है, जिसके लिए आपको मार्किंग के लिए कट ऑफ बनेगा। और मैं सीसीएट की बात करूँ तो सीसीएट मॉडरेट टाइप का था, उसमें अच्छी मार्किंग होनी थी। तो अब जो टोटल जो है लगभग 917 यानी 12,000 पोस्ट हैं, लगभग 1200 पोस्ट हैं, और 1200 पोस्ट के लिए लगभग 18 से 20,000 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। जिनका मेंस होगा लगभग 18 से 20,000 अभ्यर्थी होंगे, और ये 18 से 20,000 अभ्यर्थी यानी लगभग एक पोस्ट के लिए 20 से 22 अभ्यर्थी में फाइट होगी। ये लगभग एक पोस्ट के लिए 20 से 22 अभ्यर्थियों में फाइट होनी है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें अपने मेंस के लिए जो इस कट ऑफ में आ रहे हैं। तो आप कट ऑफ को ध्यान से देख लीजिएगा, आप जा कट ऑफ क्या बन रहा है। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल का कट ऑफ जो जा सकता है, दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आप हमारी बात से संतुष्ट हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो जनरल के लिए मैं बात करता हूं, तो जनरल मेल में अगर मैं बात करूं तो जनरल मेल में 90 से 100 यानी 90 to 100 कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ये मैं आपको मार्क्स बता रहा हूं, नॉट परसेंटेज, ये आपका मार्क्स है। यानी अगर आपके 140 नंबर में से जनरल में 90 से 100 बन रहे हैं तो वेल गुड, वेल डन, काफी अच्छी मार्किंग है। इसे आप कम आकर बिल्कुल भी ना चलें कि ये मार्किंग आपकी कम है और आप कहीं ना कहीं कम रह गए हैं। तो वन अगर आपका 90 to 100 स्कोर है तो आप अच्छी फाइट में हैं, आपको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। फीमेल कैटेगरी में ये स्कोर डाउन हो जाएगा। फीमेल जनरल की बात करूं तो 85 to 90 यानी 85 से 90 अगर जनरल फीमेल में है, महिला वर्ग में आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप आकर चलेगा कि आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूं, ये पोस्टें बढ़ाई जा रही हैं, लगभग 18 से 20,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। और ओबीसी की बात मैं करूं तो 85 से ओबीसी, अगर मैं मेल की बात करूं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में 85 से 95 ओबीसी, 85 से 95 अगर आपका स्कोर इतना है, ये ना क्वेश्चन मानकर ना चलें इसे बिल्कुल भी, ये आपकी मार्किंग है, स्कोर आपका जो बना होगा आपने चेक किया होगा। अगर ओबीसी में आपका 85 से 95 बनना है यानी 85 to 95 तो आप गुड स्कोर में हैं, आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाएंगे। इसी बात में अगर हम ओबीसी फीमेल में बात करें तो ओबीसी फीमेल में आपका 80 to 90 यानी 80 से 90 स्कोर एक गुड स्कोर होगा ओबीसी फीमेल में, और वो अभी मेल के अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें मेल कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी मेल में 80 to 90 यानी 80 से 90 स्कोर है तो गुड स्कोर है, अच्छा स्कोर है। और अगर हम फीमेल में बात करें तो 65 से 75 यानी 65 to 75 स्कोर एक अच्छा स्कोर हो जाएगा फीमेल कैटेगरी एससी में। एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी का 80 to 90 यानी 80 से 90 मार्किंग होना चाहिए, 80 से 90 मार्किंग होना चाहिए। और एसटी में फीमेल की कैटेगरी की बात करें तो 65 to 75 यानी 65 से 75 एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन को देख सकते हैं आप, एक्स सर्विसमैन का 50+ स्कोर सेफ स्कोर हो जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन शायद आप जैसा जानते होंगे, आपने पिछली जितनी भर्तियाँ देखी होंगी तो एक्स सर्विसमैन का इतना ज़्यादा स्कोर नहीं जाता, उनका 50+ स्कोर सेफ हो जाता है प्री के लिए। तो दोस्तों ये आपका स्कोर था मेंस के लिए यानी सामान्य अध्ययन में। अगर आपने अपनी ऑफिशियल आंसर की से आंसर चेक कर लिए होंगे, 140 क्वेश्चन बचे हैं, उनमें से आपका इतना मार्किंग बन रहे हैं, तो आपकी मार्किंग इतनी बन रही तो आप गुड हैं, वेल डन, और आप अपने मेंस की तैयारी कीजिएगा। सब बसरते आपका होना क्या चाहिए, आपका सीसेट पास होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका स्कोर 120 बन रहा है तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आपका सीसेट क्वालिफाई होना चाहिए तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, बसरते आपका स्कोर कुछ भी रहा हो। आपका मेंस क्वालिफाई, आपका मेंस होना चाहिए जब बुलाया जाएगा आपको मेंस के लिए, जब आपका सीसेट क्वालिफाई हो और उसके बाद आपका स्कोर इतना बन रहा हो तो आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो दोस्तों ये हमारी राय थे, हमारा प्रेडिक्शन था जो हमने सर्वे किया है, अभ्यर्थी से जानने की कोशिश की है। तो ज्यादातर जो अंदाजा निकल कर आया है वो यही आया है कि इस बार का जो कट ऑफ है ये रहने वाला है। आप ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने सारे कट ऑफ अपना नोट कर दिया है, सर्विसमैन, ओबीसी, जनरल कैटेगरी वगैरह, तो आप देख लीजिएगा। और इसके संबंध में आपकी क्या राय है दोस्तों, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट बॉक्स की में जो अभी कमेंट्स आएंगे, जो भी आपको डाउट होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।